केंद्र सरकार एक ऐसी योजना बनाएगी जिसमें विशेष रूप से बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए सीधे COVID-19 वैक्सीन के डेवलपर्स से टीके का सौदा कर सकती है। मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि भारत की ज्यादातर वैक्सीन योजना राज्य द्वारा पोषित होगी और इसकी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि ज्यादातर विशेषज्ञ वैक्सीन के बारे में कह रहे हैं कि 2021 में भारत के भीतर हर किसी को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कंपनियों को वैक्सीन की खुराक को सुरक्षित रखने की अनुमति देने की योजना पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में कोई विवादन न हो। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इंडियन इंक के लिए वैक्सीन का एक विंडो खुल जाएगा। बहुत ही सीमित सप्लाई के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों, सहरुग्णता वाले रोगियों और वृद्ध आबादी को पहले खुराक दी जाएगी। भारत के उद्योग की बड़ी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पहली तिमाही के घरेलू उत्पादन में 23.9% की गिरावट के बाद देश अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है। मोदी सरकार के कोविड प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए। अब जब सभी फैक्ट्रियां और कंपनियां खुल गई है तो कई उद्योग कैपेसिटी से भी कम काम कर रहे हैं, क्योंकि मांग ही नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि अभी इस बात पर फैसला लिया जाना है कि कौन सी कंपनियां सीधे तौर पर वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकेगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।